हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड ट्रैवल कैफे। दोस्तों, रक्षाबंधन करीब है और लॉकडाउन भी चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। तो ऐसे में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए मिठाइयां तो चाहिए। मैंने आज बिल्कुल सिंपल इन्ग्रीडियंट से और काफ़ी कम समय के लगने वाला मिठाई की एक रेसिपी बनाया है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, काफी अच्छा भी लग रहा है, खाने में भी काफी यम्मी होगा। तो चलिए आज हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। ये रेसिपी एक्चुअली हमारी है काजू का लड्डू, जो कि आप नॉर्मल लड्डू तो खाते ही हैं, लेकिन काजू का लड्डू काफ़ी कुछ अलग टाइप का हो जाएगा और खाने में बिल्कुल सही में आपको अच्छा लगेगा ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने लगभग 300 ग्राम काजू लिया हुआ है। इसे हम एक ग्राइंडर में डाल देंगे। आपको ये दो बार में पीसेंगे हम, ये थोड़ा ज़्यादा। इसे हमको हल्का धीरे धीरे पीसना है, नहीं तो वो थोड़ा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रोककर घुमाकर फिर उसके बाद रोककर फिर पीसना है। ये हमारा लगभग पीस चुका है, इसे अब हम छान लेंगे ताकि वो जो हमारा थोड़ा काजू जो रह जाएगा, जो मोटा वाला, वो इसमें से निकल जाए। ये हमने अच्छे से छान लिया है सारे को, और आपके पास जो बच जाएगा उसे आप फिर से ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे और कोई चीज़ बनाएं जैसे खीर या कोई और भी, आपको दूध में डालकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये रेडी है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की ओर। अब एक पैन में हमने ये इतना चीनी लिया है, ये लगभग इसमें आधा से थोड़ा ज़्यादा चीनी था, और आधा कटोरी पानी, इसे हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। ये चीनी बस हमारा केवल मेल्ट हो जाना चाहिए, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। ये चीनी हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ये काजू डाल देंगे। और इसे आपको अच्छे से चलाना है। इसे मीडियम फ्लेम पर, आपको थोड़ा ये कड़ा सा हो जाए तब तक चलाते रहना है। उसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी इलायची। और इसे सूखने तक हम चलाते रहेंगे। इसमें 2 चम्मच घी, 1 फ्लेम पर हमने अच्छे से इसको चला लिया था ताकि ये नीचे पकड़े नहीं और जले नहीं। ये देखिए, इस तरह की वो कंसिस्टेंसी थोड़ी आ गई है, थोड़ी सी गीली है, और ये इस तरह से सूख भी गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। और अब हम एक प्लेट में घी ग्रीस करेंगे।
इसमें घी डालकर हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे। इसमें भी इसको आपको अच्छे से चला लेना है। ये लगभग हल्का ठंडा हो चुका है, अब इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो वो फिर कड़ा हो जाएगा। ये हल्का 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 गर्म है और हम अब इसकी लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हाथों में ऐसे तेल लगाकर बहुत अच्छे से ये लड्डू बन जा रहा है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और आप इसे फ्रिज में, ये काफ़ी अच्छे से देखिए राउंड शेप में ये लड्डू बन गया है हमारा। और ये देखिए कितना अच्छे से वो काट कर खाने में भी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा। आप भी इसे इस रक्षाबंधन में अपने भाइयों को खिला सकते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की डिश हो जाएगी ये। लड्डू तो जनरल सभी खाते हैं, मगर काजू की लड्डू आप अपने भाइयों को खिलाओगे तो वो बहुत खुश रहेंगे, और ख़ासतौर पर जब अपने हाथों से आपने बनाया है तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा काजू लड्डू रेडी है, आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, फर्दर इसके ऊपर आप काजू लगा दीजिए। और इसके साथ किशमिश, ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और कुछ अलग टाइप की मिठाई हो जाएगी आपकी इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए आपका ये काजू लड्डू रेडी है, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा, बनाने में भी काफ़ी इजी है, इंग्रेडिएंट्स भी मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं और एडल्ट्रेशन फ्री है ये। तो आप इस रक्षाबंधन इस मिठाई को एंजॉय करें और साथ ही साथ अपने भाइयों को भी ये मिठाई खिलाएं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। गुड बाय।